देवास में एक युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद थाना बीएनपी पुलिस ने 7 आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। वायरल वीडियो 8 फरवरी का बताया जा रहा है और पीड़ित युवक जिसके साथ मारपीट की जा रही है वह उज्जैन का निवासी है। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि राम से मकवाना निवासी चंदेसरा उज्जैन को उसका एक साथी शुभम बना पिता मेहरबान सिंह राजपूत निवासी दताना 8 फरवरी को देवास में दोस्त के यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए कहकर लाया। बाईपास स्थित फैमिली ढाबे के पास आरोपी शुभम व उसके साथियों ने राम सिंह से मारपीट की और जाति सूचक शब्द कहे। शुभम सहित 7 आरोपियों के खिलाफ SC ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। पीड़ित राम सिंह ने कहा कि शुभम से 6 महीने पहले ही दोस्ती हुई थी, पैसे का लेन देन नहीं था। घटना वाले दिन दोस्त के जन्मदिन के बहाने देवास लाया, वहीं ढाबे पर उसने अपने साथियों को बुला लिया, मेरी कॉलर पकड़ने की झूठी बात करते हुए 5 लाख की फिरौती मांगने लगे। सभी ने शराब के नशे में इतना पीटा कि मैं मरते मरते बचा, साथ ही मेरा मोबाइल तोड़ दिया, कान की बाली व हाथ की चेन भी छीन ली। मेरे कान की बाली है 3 ग्राम की और हाथ की चेन वो भी छिनाई है और ये मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया। उसी दिन के कोई को फोन नहीं लगा पाएगा। ये शुभम बना ये दत्ताना ये देवास ले गए थे बर्थडे में दोस्त का 8 तारीख मेरे से 5 लाख रुपए की मांग करी के बोले कि मार मार के मेरे से पूछा कि 5 लाख रुपए मांगता हूँ बोले से इधर जी मैं पहचानता नहीं हूँ वो कौन है। मतलब वहाँ 10-12 जने आ गए थे, उसने बुला लिए सबको ही, उसके साले को ने सबको ही बुला लिए थे। कितने बजे की घटना है ये? 7-8 बजे DMB थाना लगता है देवास भोपाल रोड पर। 8 फरवरी की ये घटना बताई जा रही है जिसमें उज्जैन जिले के रहने वाले दो युवक आरोपी फरियादी दोनों एक साथ वहां से देवास क्षेत्र में आए हैं और वहां ढाबे पर उन्होंने खाया पिया है। उसके बाद आपस में इनका विवाद हुआ है लेन देन को लेकर, जहां पे मारपीट की गई है और बाकी लोग भी इकट्ठे हुए हैं और भी बाकी युवक के साथ घटनाएं हुई है। तो उक्त घटना की रिपोर्ट जो पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा 17 तारीख को BNP थाने में दर्ज कराई गई और उसमें जो रिलेवेंट सेक्शन थे वो उसमें लगाए गए, जांच में कुछ और धाराएं उसमें बढ़ी गई। साथ ही साथ इसमें अभी 6 आरोपियों की तस्दीक हुई है, जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश में भी टीमें लगी हुई हैं और उनको गिरफ्तार करके आगे जो भी वैधानिक सख्त कार्रवाई इस प्रकरण बनेगी वो की जाएगी। आरोपी के अरेस्ट के लिए प्रयास जारी है, उम्मीद है कि जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे। अभी जो प्राथमिक लेन देन की बात आई है जो फरियादी ने कहा है, बाकी आरोपी अरेस्टिंग के बाद उसे इंट्रोगेशन में और चीजें इसमें स्पष्ट हो पाएंगी। दोनों लोग उज्जैन के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी का नाम शुभम बताया गया है फरियादी के द्वारा, बाकी अन्य किसी का वो नाम नहीं जानता, एक उसका रिश्तेदार बता रहा है, बाकी अन्य दोस्त मित्र बता रहा है। मुख्य आरोपी से पूछताछ में बाकी उनकी पहचान और स्पष्ट हो पाएगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।